अजमेर और प्रदेश में दिवाली बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। लोगों के चेहरे पे खुशियां भी है। तो 500 वर्ष के बाद ये दीपावली मनाने का लोगों को अवसर मिला है। जिस प्रकार से लोगों ने सारे रोशनी की है, जिस प्रकार से मिठाइयां लोगों ने बांटी है और जिस प्रकार से आतिशबाजी की है, उस रूप में होता है बच्चों से लेकर के बड़ों, महिलाओं, बुजुर्गों, ग्रामवासियों, किसानों में एक चेहरों पे मुस्कान है। और जिस प्रकार सवेरे आज मिलने के लिए भी लोग आ रहे हैं और बधाइयाँ हजारों की संख्या में लोग एक दूसरे को दे रहे हैं और घर पर आज वास्तव में ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं देखा। मैं सोचता हूँ कि भगवान राम के जीवन से सब लोग उनको प्रेरणा दे सकते। और अजमेर में जिस प्रकार से पिछले दिनों कुछ विकास की बातें हुई हैं, वह भी लोगों में ऊर्जा भर रही है। लगता है आगामी दिनों में लक्ष्मी माता अजमेर खूब बरसेगी। जी सर, इस बार अजमेर और प्रदेश में दिवाली बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। लोगों के चेहरे पे खुशियां भी हैं। तो 500 वर्ष के बाद ये दीपावली मनाने का लोगों को अवसर मिला है। जिस प्रकार से लोगों ने सारे रोशनी की है, जिस प्रकार से मिठाइयाँ लोगों ने बांटी है और जिस प्रकार से आतिशबाजी की है, उस रूप में होता है बच्चों से लेकर के बड़ों, महिलाओं, बुजुर्गों, ग्रामवासियों, किसानों में एक चेहरों पे मुस्कान है। और जिस प्रकार सवेरे आज मिलने के लिए भी लोग आ रहे हैं और बधाइयाँ हजारों की संख्या में लोग एक दूसरे को दे रहे हैं और घर पर आ रहे हैं। वास्तव ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं देखा। मैं सोचता हूँ कि भगवान राम के जीवन से सब लोग उनको प्रेरणा दे सकते। और अजमेर में जिस प्रकार से पिछले दिनों कुछ विकास की बातें हुई हैं, वह भी लोगों में ऊर्जा भर रही हैं। लगता है आगामी दिनों में लक्ष्मी माता अजमेर खूब बरसेगी और हम अजमेर के विकास में इसको नंबर वन पे आएंगे। हम सब लोग सहभागी बने, ऐसा मेरी सबसे आग्रह। शंकरलाल गुल्लूमल लुधानी अगरबत्ती वैशाली एंटरप्राइजेस और 30 छाप चाय की ओर से आप सभी को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली आपसे निवेदन है, आप चाय से शुरुआत करें, 30 छाप चाय से और गुल्लूमल अगरबत्ती से अपना घर महकाएं। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप जो फुटपाथ पे बैठे गरीब लोग हैं उनसे खरीदारी करें ताकि उनकी दिवाली भी अच्छी बन सके। और बच्चों से भी निवेदन है कि आप जब भी फटाके जलाएं, बड़ों की निगरानी में जलाएं ताकि कोई जनहानि ना हो। आप सभी को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राहुल लुधानी, वैशाली एंटरप्राइजेस, अजमेर से। थैंक यू। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अजमेर शहर के सभी मेरे व्यापारिक बंधु एवं व्यापारिक समुदाय और जितने भी मेरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी अजमेर शहर व्यापार महासंघ से जुड़े हुए हैं, वह सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली दीपोत्सव की बधाई देता हूं। और यह उत्सव भारतवर्ष में सबसे आज सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी की सभी व्यापारियों पर कृपा बनी रहे और लक्ष्मी जी का पूजन करके हम लोग अपने आप को त्यौहार मनाते हैं और सब अपने अपने व्यापार की उन्नति और उन्नति चाहते हैं। यह व्यापार सुख समृद्धि लेके आता है और यह व्यापार रेडीमेड क्रॉस्मेटिक कपड़ा सब तरह के व्यापार के अंदर यह आज सबसे बड़े त्यौहार होने के बाद सब उम्मीद करते हैं कि व्यापार के अंदर बढ़ोतरी हो। और मैं सबको बधाई देता हूँ, अजमेर वासियों को और व्यापारियों को, अजमेर शहर व्यापार महासंघ अध्यक्ष के नाते किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार महासंघ अध्यक्ष। जय श्री राम, नमस्कार। दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर ऐसे ही बना रहे। आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो
और प्रदूषण को देखते हुए आप ग्रीन पटाखों का यूज करें। इसके साथ ही जो मतलब आप खरीदारी करें दीपावली की, तो ये अजमेर शहर के अंदर जो रोड के ऊपर जो गरीब लोग दीपावली के जो सामान बेच रहे हैं, दीपावली के जो पटाखे बेच रहे हैं, दिए बेच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी उनसे करें। इसके साथ ही आप अपने बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि पटाखों के टाइम में बहुत ज़्यादा, दीपावली के टाइम में बहुत ज़्यादा बड़े हादसे होने की संभावना होती है। आप सभी को पुण्य दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं महेंद्र सिंह बोराज, शहर जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, जय श्री राम। दीपावली के जो है इस पावन पर्व पर धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन जी और भैया दूज के इस पावन पखवाड़े के अवसर पर मैं जो है आपके जो है एसके टीवी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे दूध उत्पादक और दूध उपभोक्ताओं को जो है मैं हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, जो हमसे जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहे। धन्यवाद।